अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज मुंबई में पिछले साल इसी दिन शहीद हुए पुलवामा में हमारे वीर सपूतों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और सैल्यूट तिरंगा संस्था के द्वारा एवं उत्तर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई नवी मुंबई यूनिट के द्वारा ये जॉइंट आयोजन था जिसमें हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया और उनके सम्मान को हमेशा बरकरार रखे, देश उनके वीरता को याद रखे, इसलिए ये कार्यक्रम किया गया। आज हम सभी लोग यहाँ नवी मुंबई वासी में सैल्यूट तिरंगा के इस आयोजन में शामिल हुए हैं जो 14 फरवरी 2019 में ये एक अति दुखद घटना हुई, उसमें जो निर्दोष असहाय सैनिक जो उसमें बैठे हुए थे बसों में, उनके ऊपर जो ये बम्बार्डमेंट हुआ उसका कायरपूर्ण हमले का हम लोग निंदा करते हैं और इस तिरंगे को एक 14 फरवरी के रूप में मनाने का संकल्प करते हैं। हिंदुस्तान के सिपाहियों को, हिंदुस्तान के डिफेंस पर्सनल को स्मरण करने के लिए उनकी जो शहीद बने हैं उनकी याद में, उनकी स्मरण करने के लिए सैल्यूट तिरंगा की तरफ से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राय जी ने नवी मुंबई में लोगों में राष्ट्रवाद जागृत करने के लिए शहीदों के प्रति सम्मान, हिंदुस्तान के आर्मी के प्रति वफादारी की चिंगारी पेटाने के लिए नवी मुंबई में ये सैल्यूट तिरंगा के तरफ से शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। ये स्वाभिमान से जीने का और जो अपने देश के हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके परिवार के लिए भी हमारी तरफ से पूरी पूरी सहायता रहेगी। ये हमारे देश के लिए शान की बात है जिनके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, पूरा सहयोग रहेगा, सहायता रहेगी और आगे भी चल के ये संगठन के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमारी महाराष्ट्र की नई मुंबई की खास करके टीम सैल्यूट तिरंगा की, हम लोग ने ये सोचा कि आज का दिन हम लोग वैलेंटाइन डे खुशियाँ नहीं मनाएंगे, इस दिन पर जो भीतरघात से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, जो हमारे देश के गर्व थे उनको इतने बेरहमी से मारा गया, उनकी याद में एक सभा करेंगे। इस सभा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी दिल्ली से आए और जबकि जैसे कि आप मीडिया वाले लोग को पता है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भाजपा का पहली बार नई मुंबई में हो रहा है 15 और 16 तारीख को, इतने व्यस्त सभी कार्यकर्ता हैं फिर भी काफ़ी लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए क्योंकि सभी के मन में अपनी देश भावना है कि आज जो भी हम लोग सुरक्षित हैं अपने इन वीर सैनिकों की वजह से हैं, इनको हम सलाम करते हैं और मैं अपनी तरफ से सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आगे चलकर इस प्रोग्राम को और बड़े पैमाने पर करेंगे ये विश्वास दिला। हमारे देश के सैनिक पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसमें शहीद हुए थे और हम लोगों ने आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के अंदर काफ़ी लोग यहां पे उपस्थित हुए और उन्होंने उन सभी ने श्रद्धांजलि दी, तो इस मौके पर मुझे ये सर्टिफिकेट मिला और एक नई जिम्मेदारी दी गई है जिसके लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सैल्यूट तिरंगा जो एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
भारतीय सैनिक भारतीय किसानों के लिए काम करती है। 14 फरवरी को जो आतंकवादी हमले में हमारे भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी झा और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदर जी श्रीवास्तव की उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। साथ ही साथ मैं हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदर जी श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला का अध्यक्ष ऐसी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मुझे नाज है इस मिट्टी पे जहाँ ये वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और बस ये इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए इन सभी को मैं दो लाइनें बोलना चाहूँगी। हे मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज हम लोग सब यहाँ ये पुलवामा में जो आतंकवादियों ने हमारे 40 शहीदों को एक साथ इकट्ठा शहीद हो गए थे, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। सैल्यूट तिरंगा से हमारे जो शहीद हुए हैं भाइयों उनके परिजनों के लिए बहुत दुख होता है। आज मातृ पितृ दिवस भी है, आज उन माता पिता पे क्या बीतती होगी जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके घर से रोशनी चली गई, छिन गई है। और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए हर तरह से कार्य करें, तन मन धन हर रूप से करें, और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम उनके लिए कार्य करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है सैल्यूट तिरंगा में आने का।